घंटा मुला बारामूला के मुनीर अहमद मीर को कंप्यूटराइज ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ARTO बारामूला 2000 रुपये रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत न देने की वजह से अब मुनीर अहमद अपनी गाड़ी नहीं चला पाता। मैं मीर यासीन और यह मेरी कम्युनिटी। जी, मेरा नाम मुनीर अहमद मीर है और आई एम ए लेक्चरर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट पोस्टेड एट हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़। कुछ महीनों पहले, इनफैक्ट इट वाज 11th of August, जब मैंने ARTO बारामूला, जिनका ऑफिस सोपोर में है, सोपोर में मैंने अप्लाई किया था, फॉर्म भरा था कंप्यूटराइज्ड कार टाइप लाइसेंस के लिए। हालांकि इनफैक्ट मेरे पास लाइसेंस जो है वो पहले जो डायरी टाइप लाइसेंस वो मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैंने ARTO बारामूला को अप्लाई किया था और उस ज़िमन में 200 रुपये मैंने फ़ीस भी भरी थी, जिसका रसीद मेरे पास अभी मौजूद है। और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद पुरानी लाइसेंस भी मैंने वहाँ पे डिपॉज़िट की थी और उन्होंने कहा था कि 31st of August को ये लाइसेंस आपको मिल जाएगी, जिसका उन्होंने बाज़ाबता रसीद भी मुझे दिया और उस पर मैंशन भी किया कि ये किस दिन ये लाइसेंस आपको मिल जाएगी। तो मैंने इनको कहा कि इस तरह से 31 अगस्त को मुझे ये लाइसेंस मिलनी चाहिए। आज अक्टूबर भी ख़त्म होने को आया, अभी तक मुझे लाइसेंस क्यों नहीं मिलती है? तो इन्होंने चेक किया, बोला अभी भी आपकी लाइसेंस नहीं बन सकती है, हम आपको लाइसेंस दे सकते हैं एक शर्त पे, आपको 2000 यहाँ पर डिपॉजिट करने पड़ेंगे। मैंने कहा ये इसका रसीद वगैरह क्या, ये तो 200 रुपये मैंने फ़ीस भरा है। बोला नहीं, इस कार्ड जो है हमें यहाँ पे मिलते नहीं है, आपके लिए अगर हमें कार्ड मंगवाना पड़ेगा तो हमें बाहर से कहीं से लाने पड़ते हैं, उसके लिए हमें फी पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने कहा अगर इसका रिसीप्ट भी नहीं मिलता है मुझे तो ये तो सरासर रिश्वत हुआ। बोला आप कुछ भी नाम इसको दीजिए, इसके बगैर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगी। इस ज़िमन में आपने किसी अफसर के साथ बात की? जी, मैंने उनको कहा भी था, इनफैक्ट मैंने कहा था कि आई विल ड्रैग यू टू कोर्ट। तो कोर्ट में जब गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस वक्त लोक अदालत चल रही है, इनफैक्ट फ्राइडे को ही, यानी कल ही इन्होंने कहा कि यहाँ पे लोक अदालत चल रही है, आप केस रजिस्टर कीजिए, तो अगले महीने की इसी तारीख को फिर, यानी नवंबर में, यानी 30 दिन के बाद ये फिर से यहाँ पर लोक अदालत लगेगी और उसमें हम उनको बुलाएंगे एज पार्टी और देखेंगे कि क्या ज़्यादती हुई है आपके साथ। आपको कोर्ट का प्रोसेस भी डिलेट प्रोसेस लग रहा है? उसमें भी काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि 30 महीने मुझे 30 दिन वहाँ पे पहले तो वेट करना है, और दूसरी बात यह है कि 30 दिन मुझे गाड़ी घर में रखनी पड़ेगी, क्योंकि लाइसेंस के बगैर मैं गाड़ी नहीं निकाल सकता हूँ। और वहाँ भी मैंने सोचा कि ये जस्टिस जब डिले होती है तो इसका मतलब वह ये भी इन अदर वर्ड्स इनकार ही है। इससे और क्या परेशानियाँ आपको लग रही हैं? कोई फैमिली में आपको इसका मसला दिख रहा है, इसके बैड इफेक्ट्स दिख रहे हैं या कहीं और? जी हाँ, गाड़ी तो, क्योंकि आप, मैं तो एक फार ऑफ प्लेस पे रह रहा हूँ, घंटामला, बारामूला से 12 किलोमीटर्स अवे, तो इस जब मुझे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इनको स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो गाड़ी का यही फ़ायदा था मेरे लिए कि इनको मैं इन टाइम स्कूल पे छोड़ता। लेकिन जब मुझे लाइसेंस नहीं होगी तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेरे बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, डॉक्टर के पास कभी लेना होगा, अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास होती है, बिना गाड़ी के भी नहीं निकल सकता हूँ, मुझे हर दिन जो है हायर करनी पड़ती है अपना व्हीकल होने के बावजूद भी, या किसी और को हायर करना पड़ता है एज ड्राइवर, तब जाके मैं गाड़ी निकाल सकता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुनीर अहमद को ड्राइविंग लाइसेंस न होने की वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुनीर अहमद को जल्द जल्द लाइसेंस मिले ताकि उसे परेशानियों का सामना न करना पड़े और रिश्वतखोरी पर भी कंट्रोल किया जा सके। मैं मीर यासीन, बारामूला से, इंडिया अनहर्ड के लिए।